हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी सेक्शन 442 एंड सेक्शन 448 ऑफ इंडियन पिनल कोड विच डील्स विथ द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास। सो व्हाट इज मीन बाय हाउस ट्रेसपास, दैट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 442 एंड द पनिशमेंट फॉर द सेम इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 448 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सो अलॉन्ग विथ दीज टू सेक्शंस वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज वेल एज वी विल डिस्कस व्हाट क्वेश्चन मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 442 और सेक्शन 448 जो डील करता है हाउस ट्रेसपास के ऑफेंस से। सो लेट्स स्टार्ट the topic house trespass, section 442 and section 448 we will discuss in this lecture. So section 442 deals with house trespass. So whoever commits criminal trespass by entering into or remaining any building, tent or vessel used as a human dwelling. So if whoever commits criminal trespass, to dekhiye कि अगर कोई पर्सन क्रिमिनल ट्रेसपास करता है कहां पर, बाय एंटरिंग इनटू और रिमेनिंग एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग जहां पर लोग रहते हैं, ऐसा टेंट जहां पर लोग रहते हैं, या ऐसा वेसल या ऐसी शीप के जहां पर लोग रहते हैं, तो ऐसे जगह पर अगर पर्सन क्रिमिनल ट्रेसपास करता है वहां पर इंटर करके। क्रिमिनल ट्रेसपास हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, अगर आपको क्रिमिनल ट्रेसपास अच्छे से समझना है तो पिछला लेक्चर आप मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं। सेक्शन 441 हमने डिस्कस किया क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है, अगर कोई पर्सन किसी की प्रीमाइसेस में इंटर होता है ऑफेंस करने के इरादे से, या उसको डराने के इरादे से, या उसको परेशान करने के इरादे से, या उसकी इंसल्ट करने के इरादे से, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा। तो आप फॉर एग्जांपल के यहां पर अगर कोई पर्सन एंट्री करता है सेक्शन 442 में किसी के घर में, और वहां पर जाकर अगर कोई ऑफेंस करता है या कोई चीज को वो डैमेज करता है, तो वो हाउस ट्रेसपास के लिए लायबल रहेगा, चाहे वो किसी के घर में हो, चाहे वो किसी के टेंट में हो, या चाहे कोई वेसल हो, कोई शिप हो जहां पर लोग रहते हैं। यहां पर एंट्री करेगा, क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा, वो सेक्शन 442 में हाउस ट्रेसपास के लिए लायबल रहेगा। और एनी बिल्डिंग यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, सपोज इफ द पर्सन कमिट्स अ क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटरिंग इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप, That also comes under the category of house trespass. तो अगर for example मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, place of worship है, वहां पर जाकर वो criminal trespass करता है, वहां पर unlawful enter होके कोई offense करता है, या वहां पर उनको किसी को डराने की कोशिश करता है, for example वहां पर कोई person पूजा कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश करेगा, वहां पर जाकर उनको परेशान करेगा, या और कोई offense करता है, तो वो house trespass के लिए liable रहेगा। Then, or as a place for the custody of property is said to commit house trespass. Or suppose, if any place which is being used for the purpose of custody of property, agar koi jagah property ko rakhne ke liye use ki ja rahi hai, bahut si baar hota na, jaise for example godown hum kahenge ki jahan par hum property ko rakhte hain, to us godown mein bhi agar criminal trespass karta hai koi person, wahan par enter hokar agar koi offense karta hai, ya wahan par jo person, for example wahan par koi security hai, usko darata hai, समझ रहे हो, वहां पर इंटर होके सिक्योरिटी को डराता है, या फॉर एग्जांपल किसी को इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो वो पर्सन हाउस ट्रेसपास के लिए लायबल होगा। तो इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट इफ अ पर्सन, इफ द ऑफेंडर कमिट्स अ क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटरिंग इनटू एनी प्लेस व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग, और व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वर्शिप, एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, देन दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास। Explanation is there. The introduction of any part of a criminal trespasser's body is entering sufficient to constitute house trespass. House trespass करने के लिए, for example, अगर offender का कोई भी body part अगर उस area में enter होता है, ह्यूमन ड्वेलिंग पर घर में इंटर हुआ, या फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में इंटर हुआ, या फॉर एग्जांपल ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर कुछ प्रॉपर्टी रखी हुई है उसमें इंटर होता है,
If any part of the offender entered into the premises, he will be held liable for the offense of house trespass. वो house trespass के लिए liable रहेगा. Probable question है, देखिए, which of the following is the example of house trespass? Entry on the land used for human dwelling, entry on the land used as a place of worship, entry on the land used for the custody of property, all of the above. So all of the above is the correct answer, because if the person entered into the house which is used for human dwelling, ऐसी जगह जो लोगों के रहने के लिए यूज हो रही है house trespass कहलाएगी, या place of worship पे कोई person enter होता है house trespass कहलाएगा, या ऐसी property जो किसी property को रखने के लिए use हो रही है वो भी house trespass के definition में आएगा. तो अगर कोई person ऐसी जगह पर कि जो घर है या human for example worship place of worship है या custody of property है, ऐसी जगह पर इंटर होके अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो या ऑफेंस करने के इरादे से इंटर होता है तो वो हाउस ट्रेसपास के लिए लायबल रहेगा सेक्शन 442 में. सो सेक्शन 448 डील्स विथ पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास. हूएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 rupees और विथ बोथ. सो जो भी कोई हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस करेगा सेक्शन 448 में उसको पनिशमेंट होगी 1 साल तक की सजा या फाइन या दोनों. हम देखें कि क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए 3 महीने की सजा 500 रुपये फाइन था. अब ये जो सेक्शन हाउस ट्रेसपास है तो ये और एग्रावेटेड है, मतलब सीरियस है, इसीलिए इसमें यहाँ पर 1 साल तक की सजा 1000 रुपये तक का फाइन या दोनों भी हो सकता है. सो दिस इज ऑफेंस ऑफ हाउस ट्रेसपास. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.